हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइस, आज एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। रिसेंटली मैंने एक ऑर्थोपेडिक मैट्रेस लिया है फ्रॉम द ब्रांड वेक फिट। और इसको लेने से पहले मैंने कई वीडियोस देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे, बट मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे खुद लेने के बाद ही पता चले और वो पॉइंट्स मुझे किसी भी वीडियो में नहीं पता चले थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हुई। तो वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई मैट्रेस लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं, तो ये रिव्यू वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी। सो बने रहिए लास्ट तक एंड विदाउट मच डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग। ये कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल होकर के आया था और एक बैग है ब्लैक कलर का और इस थोड़ा सा इसमें वेट भी था काफ़ी और इसको मतलब उठाना, एक हाथ से आप ऐसे उठा नहीं सकते थे इसको। हम लोग ड्रैग करके लेकर आए थे दूसरे रूम में और इस तरीके से एक बैग था, कपड़े का ही बैग था ये ब्लैक कलर का, जिसमें ब्रांडिंग दी हुई है वेक फिट की और ऊपर बिल वगैरह भी लगा हुआ था। तो इस तरीके से रोल करके आया था। बेसिकली ये जो वैक्यूम से सारी एयर निकाल ली जाती है गद्दे की, ताकि इसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम ना हो और गद्दे के को डैमेज ना हो किसी तरीके से जब वो डिलीवरी हो रही हो। ऊपर से इसके ऊपर 5-6 लेयर इस तरीके से प्लास्टिक की लगी रहती है, जिसको कि खोलना थोड़ा सा टाइम लग रहा था और हमें करीब 5-10 मिनट ऐसे तो लगे ही थे इसको खोलने में, एकदम एक बार में नहीं, क्योंकि लेयर बाई लेयर ये हो रहा था। चाकू लगाने में हमको डर लग रहा था कि कहीं मैट्रेस ही ना फट जाए। तो इस तरीके से 2-3 लोगों ने मिलकर के इसको फटाफट से खोल लिया और खोलने के बाद ये जो रोल आपको दिख रहा है ये पूरा प्रॉपर शेप ले लेगा। 6x6 हमारे बेड का किंग साइज़ जो होता है वही है, तो हमने किंग साइज़ का ये बेड लिया था, बेड के लिए हमने ये मैट्रेस परचेज़ किया था। तो इसको ये जो रोल आप देख रहे हैं अब ये बस खुल चुका है और खुलने के बाद इसको आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो भी एयर थी निकाली गई थी वापस से अपना ये प्रॉपर शेप जो है वो रिगेन कर ले। तुरंत ये कर लेता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन हाँ 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो प्रॉपर अच्छे से शेप ले लेगा और आपके बेड पर ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि साइड में ग्रे कलर की इसकी बॉर्डर है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वाइट कलर का है। तो बेसिकली ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक कवर है। कवर इस गद्दे के साथ में फ्री आता है, इसके लिए आपको अलग से कुछ चार्ज नहीं देना होता है, ये सभी को मिलता ही है। और ये जिप वाली आप देख सकते हैं, जिप लगी हुई है, तो आराम से आप इस कवर को हटा करके वॉश भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको बेडशीट तो ऑब्वियसली बिछानी पड़ेगी क्योंकि ये वाइट है, तो दोनों तरफ से आपको ये वाइट ही मिलेगा और साइड में ग्रे इस तरीके की बॉर्डर रहेगा। तो ये जो थिकनेस मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, तो हमने ये लिया है 8 इंच का इसका थिकनेस है और इसमें 6 इंचेस का भी आता है और 8 इंचेस का भी आता है। तो कितने आपके घर में कितने लोग इस बेड पे सोने वाले हैं उसके हिसाब से वेट के ऊपर ही इस पे फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली ये जो मैट्रेस है ये मेमोरी फोम इसमें लगी हुई है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी का प्रॉपर शेप ले लेता है। यही फीचर इसका खास है, जिसकी वजह से जिन लोगों को अच्छे मैट्रेस पे मतलब सोने का है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होती है मैट्रेस की वजह से, तो उसके लिए है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लेयर्स आपको दिख रही होंगी कि ये जो मैट्रेस है ऊपर से एक कवर लगा हुआ था और अंदर से एक कपड़े में ही सारी लेयर्स को बाइंड किया गया है। तो एक तो था हाई डेंसिटी फोम था, उसके ऊपर 2-3 लेयर्स लगी हुई थी, जिनमें से एक लेयर जो थी वो थी मेमोरी फोम की। बट ये हम लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे हम नीचे रखेंगे, कौन सा पार्ट नीचे रखना है कौन सा पार्ट ऊपर रखना है। ये तो जब वीडियो बनाने के लिए मैंने चेन खोल ली, अदरवाइज़ हमने इसे उल्टा ही रख लिया था और मैंने इतने वीडियोस देखे थे बट कहीं पर भी ये चीज़ खोल करके नहीं दिखाई गई थी कि कौन सा पार्ट ऊपर रखना है। फिर हमने सोचा कि चलो अब इसको वापस से उल्टा पलटते हैं, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ फोम था, जो मेमोरी फोम थी जिसका एक्चुअली में बेनिफिट है जिसके लिए हमने इतना पे किया है वो तो ऊपर साइड में आ रहा था। तो इसका जो साइन आपको मैं बता दूँ, ये जो येलो स्टिकर आप देख रहे हैं, ये येलो स्टिकर उसी साइड में लगा होता है जिस साइड को आपको ऊपर रखना चाहिए आइडियली, क्योंकि उस साइड में मेमोरी फोम होती है। तो ये पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहती थी एक्सक्लूसिवली। ये आपको शायद पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला था कहीं भी किसी वीडियो में। तो जब आप ये मैट्रेस खरीदें तो ये येलो मार्क देख लीजिए, अगर जहाँ पर भी लगा हो उस पार्ट को आप ऊपर कर लीजिए। फिर उसके बाद अब मैं आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको 3-4 लेयर्स दिख रही होंगी मैट्रेस के अंदर। तो ऊपर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वाइट कलर का ऐसे अलग सा शेप का बना हुआ है, वो है मेमोरी फोम, जो आपकी बॉडी के हिसाब से शेप जो है वो एडजस्ट कर लेता है और आप
आपका जो स्पाइन है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे आप सो पाते हैं। तो सबसे ऊपर जो फैब्रिक आप देख रहे हैं वो एकदम ब्रीदेबल है, इसमें ना आपको गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, जैसा वेदर रहेगा उसके हिसाब से कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे नीचे जो है वो हाई डेंसिटी फोम है, तो वो फोम भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और हाई डेंसिटी के होने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड वैसा नहीं होगा। और उसके बीच में एक और लेयर कुछ लगी हुई है, तो ये कुल मिला के ये इतनी लेयर्स लगाने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं इस पे हाथ रखने के बाद एक मेमोरी जैसा बनता है। और मतलब जैसे मैंने हाथ रखा तो हाथ का शेप आ गया, तो इसीलिए इसका नाम बेसिकली मुझे लगता है मेमोरी फोम है। सो यस, इस तरीके से ये रहता है और इसके ऊपर इस तरीके से कवर आता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चेक करके भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ग्लास रख दिया है और आरव जो है वो कूद रहा है, मेरा बेबी है ये, और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से कूद रहा है बट फिर भी ये जो ग्लास है वो बिल्कुल भी शेक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने चेक करने के लिए, ये मतलब इसका एक फीचर ही है, इस मैट्रेस में क्लेम था कि अगर आपके बगल में कोई सो रहा है और वो अगर बार बार करवटें बदल रहा है तो उसके बगल वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, जो कि नॉर्मली हमारे जो गद्दे होते हैं उनमें होती है। तो ये चीज़ भी इसमें अच्छी है कि इसका जो स्टिफनेस है वो इस तरीके से है कि आपको मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आपके बगल में कोई इस तरीके से कूद रहा है या फिर करवटें बदल रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टोटल कंफर्ट इसमें मिलेगा। और साथ ही अगर इस जो मैट्रेस है, क्योंकि इसके अंदर हाई डेंसिटी फोम यूज़ हुआ है, तो अगर आपके घर में इस तरीके के बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि बेड पे हमेशा कूदते रहते हैं, तो उनके लिए, उनके पॉइंट से भी ये गद्दा काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, कोई इसका जो बैठ नहीं जाएगा, जो दब नहीं जाएगा, ये अपना प्रॉपर शेप तुरंत ही रीगेन कर लेता है जैसे भी आप इसको डील करें। वेकफिट एक टोटली मेड इन इंडिया ब्रांड है, इसके सारे जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है वो इंडिया में ही होती हैं और इसके साथ आपको मिलती है 10 ईयर्स की वारंटी। तो कम्फर्ट भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं। एंड यस, ये देखिए यहाँ पर मेरा भाई इस मैट्रेस पे सो करके चेक कर रहा है कि इसमें कितना कंफर्ट है और उसको, उसने जो रिव्यू दिया वो यही कि उसको काफ़ी कंफर्ट लग रहा है और बिल्कुल भी ये जो मैट्रेस है ये दब नहीं रहा है। सो चलिए अब आपको इसकी प्राइस एंड बाकी के और फीचर्स भी बता देती हूँ। तो इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, MRP इसकी जो है वो 1700-1800 के आसपास कुछ ऐसी है, बट आपको ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगी। सो 12 से 15 हज़ार के बीच में आराम से ये आपको डबल बेड का किंग साइज़ का जो 6x6 का रहता है वो साइज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको फुली कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, आप कस्टमर केयर आपको ऑलरेडी कॉल भी करते हैं और आप भी उनको कॉल करके बात कर सकते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। अगर आपको छोटा या बड़ा या थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन भी कराना है तो फुली कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी इनके पास है। दूसरी चीज़, डिलीवरी की बात करूँ तो सिटी के अंदर इन्होंने एस्टिमेट दिया था मुझे करीब 7 to 10 days का, बट ये 3 to 5 days में डिलीवर हो गया था क्योंकि हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया था, स्टैंडर्ड जो उनके पास साइज़ था हमने वही परचेज़ किया था और डिलीवरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। सो यस, कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस मैट्रेस की, कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा है। जिन लोगों को भी बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है या अच्छे मैट्रेस पे सोना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 10 ईयर्स की वारंटी भी इसके साथ में मिल जाती है। ये थोड़ा सा हैवी रहता है तो इसको हैंडल करने के लिए डेली बेसिस पे अगर आप ऐसे इसको मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके में चद्दर वगैरह अगर आपको बिछानी है वो सब करना है तो उसके लिए काफ़ी इजी टू हैंडल है, बट ये अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में मूव करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हैवी है, तो आपको 2 लोग कम से कम लगेंगे इसको उठाने में। और नॉर्मली जो महंगे वाले आप मैट्रेस खरीदते हैं उनमें वेट तो होता ही है, तो इसमें भी काफ़ी वेट है, एकदम हल्का नहीं है। एक्सपेक्टेड था हल्का होगा, फोम है सोचकर, बट ये हल्का नहीं है, इसमें भी अच्छा खासा वेट है। सो गाइज, ये था हमारा आज का जेन्युइन रिव्यू अबाउट दिस ऑर्थोपेडिक मैट्रिक्स फ्रॉम द ब्रांड वेकफिट। अगर आपको पसंद आया, लेना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे वाले वेरिएंट का जो मैंने परचेस किया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा, यूज़फुल रहा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए सभी के साथ में और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके के यूज़फुल प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड Take care.